नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीएन आरएसटी। डॉक्टर रितु ने मीडिया के सामने धरने पर बैठी यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, जिसको डॉक्टर रितु ने कहा कि हमें अधिकार दिया नहीं जा रहा और हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने भी नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटी के लगातार विरोध में डॉक्टर रितु ने प्रदर्शन किया, जिसको बलपूर्वक हटाने की पूरी कोशिश पुलिस बल के माध्यम से की जा रही है। प्रोटेस्ट में बैठे लोगों ने जब पुलिस बल से उनके उठाने का नोटिस या लिखित में कोई भी आदेश मांगा तो प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर डॉक्टर रितु ने पुलिस बल को आड़े हाथ लेते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। शांति रूप से धरना करना भी अब पुलिस बल के माध्यम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक रिपोर्ट। तकलीफ के आंसू हैं कि जो हमारा खाली वोट लिया जाता है, उस तकलीफ क्या है कि जो हमारा समाज से ही टाइम पे निकल के नहीं आता। आप लोगों के साथ क्या गुंडा, उन्होंने जो वर्दी पहन गए थे खाकी, हाँ। पुलिस प्रशासन की मदद, उसकी मदद से ये प्रोटेस्ट उठाया गया है। अब खाकी के अंदर किसके भेजे हुए गुंडे थे, हो रहा था हमारी सच की आवाज। इनको जो यूनिवर्सिटी के अंदर इनकलाब आ रहा था वो इनको हजम नहीं। रितु एक मिनट सर, आप मुझे ये बताइए, जब तक हमेंगे जब तक नोटिस नहीं देंगे हमारे हाथ में, क्या रीजन है हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। काम हो रहा है तो सर को, अगर सर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, अगर इन्हें यह नहीं पता कि वो टेंट किसने उखाड़ा, तो यानी सर जो है भी जवाब नहीं है। ये किसकी शय पे काम कर रहे हैं, इसलिए जवाब नहीं। हाँ, और मेरे को, मैंने कंप्लेन करवाई, अभी इनके हाथ में थी, अभी तक मेरे हाथ में रिसीविंग नहीं आई। मैंने कहा मेरी एफआईआर करो, मैंने रिसीविंग नहीं आई, रिसीविंग ले ली और दूसरी चल रिसीविंग आ गई। इमीडिएटली इनको एफआईआर करनी पड़ेगी और शांतमय तरीके से, जब तक हमारे हाथ में कोई नोटिस नहीं आता। एंड आई एम ग्लैड, शुक्रिया मीडिया के साथियों, ये हमारा चौथा स्तंभ है। वी रिस्पेक्ट यू, आप ये हमारा मैसेज जन जन तक पहुंचाओगे, पूरे भारत तक जाएगा, अब आपको दिखेगा। सर आप क्या चाहते हैं, हमारा प्रोटेस्ट तो आपने शांति प्रिय जो चल रहा था वो उठा दिया है, अब क्या चाहते हैं कि अब रोई है, टूट रही है धीरे धीरे, और कल जो है फांसी भी खा लेगी। लेकिन याद रखना, साबित दो ना हमें, हम कौन सा मना कर रहे हैं, जो रास्ता आप कहोगे वो अपनाएंगे। बताओ कैसे हक अधिकार ले हम अपने, बताओ कैसे हक अधिकार ले। उस दिन भी मैंने आपसे पूछा था, सर भीख मांग रहे हैं, बताओ कौन सा तरीका अपनाएं, हमारे अधिकार मिल जाए, बस रास्ता तो बता दो हमें, ये भारत हमें रास्ता तो दिखा दे। इस भारत में आप हमारे फांसी का प्रबंध करो, हम बोलने वाला मर जाएंगे, आपको कोई नहीं होगा। यहाँ नचाना आरएसएस को, यहाँ पे लेके आना, यहाँ पे पूजा करना आरएसएस की, रोज यहाँ के अंदर, रोज कैंपस में आरएसएस की जो है ना क्लासें चलती हैं, देश में ना तो सामाजिक मीटिंगों में जाना दिया जाता है, ना पार्लियामेंट में जाना दिया जाता है। बताइए एसएचओ साहब, आपने इसके डॉक्टर रितु का टेंट यहाँ से उखड़वाया है, बताइए कौन सा रास्ता अपनाएं। वही रास्ता अपनाएंगे सर, आज आपका जवाब देना पड़ेगा, उस दिन भी आपने जवाब नहीं दिया। बताओ ये क्या करे, मैं क्या करूँ, फांसी खा लें। श्रीति मैं आपको बता दूं, रोहित वेमुला मरे कमजोरी के।